आज 20 यूपी गर्ल्स बटालियन लखनऊ के द्वारा साइकिल से स्वास्थ्य और सेहत रैली की शुरुआत की गई। इस रैली को रिटायर्ड कर्नल अरुण सूर्यवंशी ने झंडे दिखाकर शुरू किया। आयोजकों ने बताया कि यह साइकिल रैली 3 प्रदेशों में तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं और एनसीसी कैडेटों में स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। ऐसा कई बार कहा जा चुका है, हमें दैनिक कार्यों के लिए साइकिल पर निर्भरता बढ़ाने की जरूरत है, जिससे अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस भी बनेगी। बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या है, जिसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। साइकिल को ट्रांसपोर्ट मीडियम के लिए अपनाने में पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। इस 8 दिवसीय साइकिल रैली में कर्नल अरुण सूर्यवंशी युवाओं को स्वस्थ पर्यावरण और अच्छी सेहत का मंत्र देंगे। आज यहाँ से चल रहा हूँ, एक्सप्रेस वे का जो रेस्ट एरिया नंबर 2 है, वहाँ पर मेरा नाइट स्टे है। नेक्स्ट डे आगरा 8 तारीख को, 9 तारीख को मैं OTA ग्वालियर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं NCC से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे NCC में 3 टेन्यूर्स हैं और UP के ही हैं, तो जो सेकंड मिशन जो मेरा है वो UP डायरेक्टेड NCC लखनऊ से OTA ग्वालियर तक का राइड भी कंप्लीट कर। ये आज पूरे UP और NCC के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज कर्नल अरुण सूर्यवंशी, जो 8 साल NCC में टेन्योर कर चुके हैं और एक्स NCC कैडेट हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के, आज साइकिल एक्सपीडिशन 1200 किलोमीटर का स्टार्ट हो रहा है, जो 3 राज्यों में होकर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचेगा और वहां से लखनऊ के लिए वापसी होगी। ये हमारे NCC के लिए बड़े गौरव की बात है कि 57 वर्षीय कर्नल अरुण सूर्यवंशी, जिनका 35 साल का बड़ा शानदार सेवा काल रहा है, वो आज 1090 लखनऊ से ये यात्रा आरंभ कर रहे हैं। उनके लिए कुछ NCC कैडेट भी उनके साथ जा रहे हैं। तो पहले दिन वो आगरा एक्सप्रेस हाईवे में हॉल्ट करेंगे और दूसरे दिन वो आगरा NCC ग्रुप हेडक्वार्टर में हॉल्ट करेंगे और NCC कैडेट से वार्तालाप करेंगे। इस रैली का मुख्य ध्येय पर्यावरण सुरक्षा और साइकिल के द्वारा फिटनेस, ये इनका मुख्य ध्येय है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, उसको वो वहाँ इस समारोह में सम्मिलित होंगे और उसके बाद वो वापसी करेंगे। ये हम सभी NCC कैडेट के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है।